हाय फ्रेंड, मैं हूँ आपका दोस्त स्नेहाशीष। मैं आज दिखाने जा रहा हूँ मेरा जो एडिनियम सीडलिंग था, इसका रिपोर्टिंग। ये मेरा एडिनियम सीडलिंग है, ये करीबन 3 महीने का होगा, 2.5-3 महीने का सीडलिंग। मैं इसको अभी रिपोर्ट करने वाला हूँ। अभी टेम्परेचर करीबन 17-18 के करीब है, रात का टेम्परेचर, इसलिए मैं अभी इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाला हूँ। तो मैं कौन सा मीडिया यूज़ कर रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए मैं कैसे रिपोर्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं ये जो राइस हस्क है, ये प्लेन राइस हस्क है, इसमें थोड़ा सा जो मिट्टी और कंपोस्ट शायद मिला हुआ है, और इसमें ये बर्न किया हुआ राइस हस्क है। तो प्लेन राइस हस्क 1% और बर्न किया हुआ राइस हस्क 1% और 1% वर्मी कंपोस्ट। ये सब को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा मैं ये जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसको दे रहा हूँ। देखिए ये जो मैं सॉइल मिक्स बनाया हूँ, मैं इस सॉइल मिक्स में आज मेरा ये प्लांट को लगाऊंगा। पहले इसको पानी देके कम से कम 15 दिन तक रख देना है, और इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी ऐड कर देना फ्रेंड, ताकि जो फंगल प्रॉब्लम है वो नहीं हो, क्योंकि राइस हस्क में फंगल प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो सकता है। तो मैं यहाँ पर सर्फ पाउडर यूज़ कर रहा हूँ, सर्फ जो फंगीसाइड है वो यूज़ करता हूँ। अब इसको पानी देके अब 10 से 12 दिन तक रख दीजिए, उसके बाद अभी यूज़ कर सकते हैं इसमें प्लांट लगाने के लिए। मेरा पास बनाया हुआ है जो मिट्टी, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैं इस सबको पॉलीथीन में भर के रखा हूँ, जो प्लास्टिक का ग्रो बैग है, आप देख सकते हैं। ये सेम मीडिया है, देखिए ये सेम मीडिया है। इस मीडिया को मैं 12 से 15 दिन तक पानी देके रखा था, फिर मैं इस मीडिया में ही आज मेरा ये प्लांट लगाने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं मेरा ये जब जो प्लांट है ये सबको लगाने वाला हूँ, तो मैं एक लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मैं कप में लगाया था, देखिए फ्रेंड इसका रूट बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है। तो सिर्फ हमें कुछ करना नहीं है, इसको रख के ये साइड से दे देना है। मैं इसका मिट्टी निकाला नहीं, देखिए फ्रेंड ये मेरा प्लांट रेडी हो चुका है। तो मैं सब प्लांट को लगा देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं ये
सब प्लांट को पॉट कर चुका हूँ। मैं फिर से इसको इस ग्रो बैग में, जो ब्लैक कलर का ग्रो बैग है, इसमें बैठा चुका हूँ। अब मैं कुछ घंटे बाद या कल इसमें पानी दे दूंगा। आज मॉइस्चर है इस पॉटिंग मिक्स में और इसको अभी 1 से 2 दिन तक ब्राइट लाइट में रखूंगा, लेकिन धूप में नहीं रखूंगा। फिर उसके बाद इस सब प्लांट को धूप में रख दूंगा। देखिए फ्रेंड, ये था पॉटिंग मिक्स मेरा, इसमें बैठाया हूँ। और भी बाकी है मेरा, अभी मैं और भी प्लांट बैठाऊँगा बाद में। देखिए ये इस पॉटिंग मिक्स में मैं अगले साल के लिए स्ट्रॉबेरी प्लांट रख रहा हूँ, तो वो भी मैं बैठाया हूँ। ये रनर से ग्रो किया हुआ स्ट्रॉबेरी प्लांट है, जो कि अभी बैठाने के बाद मैं 5-6 दिन पहले बैठाया, ये ग्रो करना शुरू हो गया है। ये मीडिया बहुत अच्छा है, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड, मैं और भी बहुत एडेनियम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप देखते जाइए। उसके लिए पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे और भी वीडियो देखने के लिए।